अर्चना है। अर्चना वो तो शुक्र है मैंने उसकी यार लिपस्टिक चुरा ली थी, और नवा मिट्टी लिपस्टिक भी नहीं देती। मेरे सुनी सुनी कलाई अच्छी थोड़ी लग रही है। अपनी चूड़िया ने भी है ना, वो तो अपनी अलमारी में लॉक करके चली जाओ। पता नहीं कैसी है वो, पता नहीं बहुत गंदी है। पता ये भी टूटी हुई है, दूसरी चुरा लूंगा मैं उसकी, कोई बात नहीं। बहुत सुंदर लग रही है तू रेशमा, कितनी सुंदर है तू। बाऊजी क्या बाऊजी आप रोते रहते हो, क्यों रो रहे हो आप? मैं हूँ क्या बाऊजी, आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैं आपका बेटा हूँ। और आप नहीं चाहते मेरी शादी हो, इस घर में बारात आए, बैंड 5 बजे, हम लड्डू खाएं। अब आप एक काम करो, जल्दी से ना मेरे लिए कोई अच्छा से लड़का दे दो, और मुझे ना पैसे दे दो, मुझे मार्केट से ना कुछ सामान लेके आना है। अपने पैसे पैसे दीजिए ना राजू बेटा, कम से कम अपनी मूछ और दाढ़ियों को तो देख ले, क्यों अपनी घर की इज्जत नीलाम करने पे तुड़ा है बेटा? बाबू जी आप छोड़िए इन बातों को, आपको सब पता है मैंने ये दाढ़ी मूछ किस लिए रख रखी है। मैं नहीं चाहता दुनिया को, इस समाज को, दुनिया वालों को पता चले मैं क्या हूँ, इसीलिए तो मैंने इन दाढ़ी मूछों को रख रखा है, वरना मुझे अच्छी थोड़ी लगती है। आपको पैसे देने या नहीं मुझे ये बताइए। बाबू जी पैसे दोगे ना? दे दूंगा बेटा, पर आगे से ये मत किया कर, ये लिपस्टिक ये सूट मत पहना कर बेटा, मत पहना कर। जी बाबू जी मुझे पता है आप मेरी नम ब्यूटी से, मेरी सुंदरता से आप जलते हैं। अच्छा आप... मेरा बेटा बगैर सूट ही अच्छा लगता है, पैंट शर्ट में अच्छा लगता है मेरा बेटा। बाबू जी आप देखो देखो वो अर्चना आने वाली है, अब है ना मैं जल्दी से ना नेल पेंट लगा लेता हूँ, वरना मैं गुस्सा करोगे, वो पता नहीं कैसी है मुंह कहेगी। मैं जा रहा हूँ, पैसे दे देना शाम को पक्का। दे दूंगा पैसे, दे दूंगा राजू बेटा, इस बार ऐसा मैंने क्या कर्म किया था कि मुझे जीते जी इतनी बड़ी सजा दे रहा है, ये सजा कब खत्म होगी? कब क्या ये? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? वो बाहर धूप में सूख रहे थे तो मैं ले आई। क्या वो मैं मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया कर, यही सिखाया क्या तेरे बाप ने? गैर मर्द के कपड़ों को छूती है, तेरे को शर्म नहीं आती? कैसी बात कर रहे हो जेठ जी, बाहर धूप में सूख रहे थे तो मैं ले आई इनको। मेरे सामने जबान चलाती है, मैं हाथ ना तोड़ दूंगी, समझ में आ गई? बहुत हो गया और बहुत सहन कर लिया मैंने। ये आंखें किसको दिखा रही है तू? पराए मर्द को छूती है। नीचे करो। पराए मर्द को छूती है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तेरे नाम चरित्र नाम की चीज है या नहीं तेरे अंदर? बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा बोल रही हो, समझ में आ गई? बकवास कर रही है, मैंने तेरे को कई बार कहा है इस घर में अगर रहती है ना मेरी आंखों के आगे मत आया कर, पहली बार तो तू अपने घर क्यों नहीं चली जाती? चली जाए यहां से, नहीं चाहिए मेरे को तू इस घर के अंदर। और मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की आज के बाद जरूरत नहीं है। आज रमेश को आने दो, आज ना फैसला होकर ही रहेगा, या तो तुम इस घर में रहोगे या फिर मैं ही रहूंगा। चली जाए यहाँ से, वरना तेरे को रमेश को दोनों को यहाँ से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। निकल यहाँ से। आने दो बाबूजी को। रमेश सीधी सी बात है, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारा वो भाई रहेगा। एक बात बताओ, उनको भूख लगी थी, मैंने उनको खाना दे दिया, तो भाई क्या गुनाह कर दिया ऐसा मैंने इसमें? अरे यार तुम्हें नहीं पता उन्होंने कितनी ज्यादा इंसल्ट की है मेरी, ठीक है? और ऊपर से बाऊजी भी उन्हें की ओर ले रहे थे। अरे गुस्सा मत करो यार, पता है राजीव है ना बचपन से ही ऐसा है, बहुत गुस्से लगो और ज्यादा ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ना लेट हो रहा हूँ, अभी निकलूंगा मैं। रमेश मुझे नहीं पता, वो अर्चना और बाऊजी बता रहे थे कि आपने उनके साथ झगड़ा किया है, और कल तो आपने खाना भी फेंक दिया था। अब तू बताएगा क्या क्या करना है मुझे और क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है? बदतमीज, तेरी जुबान काट लूंगा, समझ गया? छोटा है छोटा बन के रह। भाई साहब आप बड़े हो, अगर आप ये ऐसा करोगे तो फिर हमारा क्या होगा? तेरी तो मैं जान ले लूंगा, थप्पड़ ऐसे मारूंगा। अगर मैं सबसे बड़ा हूं तो तू सबसे छोटा है, तेरा आंख नहीं बनता। दो बड़े भाई बोल रहे हैं, उनके बीच में टांग डालने का, समझ गया?
बेशरम बेले आज। भाई साहब टांग काड़ा रहे, हक्की बात तो बोल रहे हैं ना। हक्की बात क्या पता है तुम्हें? बाबूजी के बाद सब कुछ मेरा है, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम दोनों को यहाँ से बाहर कर दूंगा। और ज्यादा तेरे को अपनी घरवाली अच्छी लगती है ना, तो उसको अपने सर पे उठा और यहाँ से निकल जा। वो गाना सुना है तूने? इन्हीं लोगों ने। हाँ? चल इस गाने के ऊपर डांस करेंगे, ठीक है? चलो। अगर नहीं आएगा तो मेरे को देखती रही हो, देख ऐसे। राजीव तू तो बड़ा अच्छा डांस करती है। मैंने तेरे को कितनी बार कहा मेरा नाम राजीव नहीं है, मेरा नाम रेशमा है। तू चलती है तू मेरे से चलती। हाय हाय रेशमा तू तो बुरा मानती है। बुरा ना मानू तो क्या करूं, मेरा नाम है ना, तू ढंग से ले आकर। ठीक है मैंने तेरे को पहले बता दिया, मैं तेरी कट्टी 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 कट्टी। हाय 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 तू तो नाराज होगी। चल अच्छा दोबारा से करती हूं। लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, हाय दुपट्टा मेरा, हाय थक गए। हाँ हवा कर दो, पंखा कर दो मेरी बहन। कौन है? अरे अर्चना तू यूं कह रही थी कल आएगी तू। काश मैं कल ही आती तो मुझे तुम्हारा एक घिनौना रूप देखने को तो ना मिलता। घिनौना? ये जलती है मुझसे, और वैसे भी ना आज मैं इससे कितनी सुंदर दिख रही हूँ ना। और अब तेरे को पता चल गया ना, अब तू एक काम कर, तू अंदर जा, हमें ना डांस की प्रैक्टिस करने दे। क्या कराऊंगी तुझे डांस की प्रैक्टिस? हाय कल मुही। चुप, एकदम चुप। और क्या कह रहा था उस दिन तू? मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा रहा था। तेरा खुद का ये चरित्र है क्या? तू मुझे चरित्र का पाठ सिखाएगा? हाँ। अरे कम से कम अपनी नहीं ना तो कम से कम बाबूजी के बारे में तो सोच लेता, उनकी इज्जत का तो ख्याल रख लेता। अरे कहीं जाकर डूब मर जा बेशरम कहीं का, निकल जा दोनों के दोनों इस घर से बाहर। ए चुप कर मुई, कब से पैटर 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 बोले जा रही है। चल रेशमा तू मेरे साथ चल, यहाँ पे तेरी कोई इज्जत है? तू मेरे साथ रहेगी ना, वहाँ पे हम लोगों की बहुत इज्जत है, सब लोग इतना प्यार से बात करते। ये मुई देख कैसे बात कर रही है तुझसे, जैसे सारे इज्जत के झंडे इस मुई के ही गड़े में। हमारी भी इज्जत है तुम्हारे समाज में नहीं तो हमारे समाज में। चल मेरे साथ। सलमा मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, अगर मैं इस घर को छोड़ के चला गया तो मेरे बगैर मेरे बाबूजी मर जाएंगे। तो फिर वही जिद कर रही है? बाबूजी को ना मैं अपना आप देख लूंगी, चलते बनो यहाँ से दोनों के दोनों। चल चलो बहुत हो गई यहाँ पे। अर्चना मैंने कहा निकलो, जा रहे हैं। चलो ये रोती क्यों है पागल? बाबूजी आज से आपका राजीव हमारी रेस मौई, मैं इसको लेके जा रही हूँ। बाबूजी बाबूजी हो सके तो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बाबूजी। मैं कब तक यहाँ पर ताले सुनता रहूंगा? और आज तो अर्चना ने मुझ पर हाथ भी उठाया, मेरे भाई मुझसे नाराज रहते हैं, और यहाँ पर पड़े पड़े अगर मैं आपकी रोटी टुकड़े खाता रहा तो सिर्फ इस बात के लिए कि मेरे बाबूजी का मेरे बगैर क्या होगा। लेकिन बाबूजी आप मेरा इस दुनिया में दम घुटता है, और नहीं ये मेरी दुनिया नहीं है बाबूजी, ये मैं जान चुका हूँ। मुझे मेरी दुनिया में जाने दो बाबूजी, मुझे मेरी दुनिया में जाने दो। मैं सिर्फ तुझे इस दुनिया से छिपा के इसलिए घर में रख रखा था कि तू मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरे दिल का टुकड़ा है। पर मैं अपने घर वालों को नहीं समझा पाया, तूने फैसला ले ही लिया है तो अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा। बेटा तू जहां भी रहे खुश रहे, तू खुश रहेगा, मैं खुश रहूंगा। लेकिन तुम्हारा दिल करे ना
तू मुझसे मिलने आ जाना और मेरा दिल करेगा मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगा। बाऊजी हमें देर हो रही है, अब हमें जाने दीजिए। बिटिया मैंने अपने राजू को कभी भी जिंदगी में कोई भी कष्ट नहीं होने दिया। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरे राजू की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देना। चल रेशमा, ठीक है बाबू। खुश रहो बाबू। Yeah.